दोस्तों, गिलहरी दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्यारे जीवों में से एक है। ये गिलहरी छोटे स्तनधारी जीव है जो कि रोडेटिया और स्क्यूरिडे परिवार से संबंधित है और ये एक हद तक चूहे और चूहे जैसे दिखने वाली प्रजातियों से मिलते जुलते हैं। अगर बात करें इस गिलहरी की तो उसके शरीर में छोटे रेशमी और मुलायम बाल होते हैं जिसकी मोटाई प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होती है। साथ ही इनके पास बड़ी आँखें और छोटे छोटे कान होते हैं जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं। और अगर बात करें इनके रंगों की तो इनके रंगों में ग्रे, सफ़ेद, काला, भूरा, लाल और पीला रंग शामिल होता है। इसके अलावा इन गिलहरियों के पास तेज़ और नुकीले पंजे होते हैं जिसके कारण ये पेड़ों पर बड़ी आसानी से चढ़ उतर सकते हैं। और अगर बात करें इसकी प्रजाति की तो इस दुनिया में इनकी लगभग 300 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन गिलहरियों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले बारी आती है इनके मिलन प्रक्रिया की। आपको बता दूं कि इनके मिलन प्रक्रिया की शुरुआत एक अनोखे अंदाज से होती है जिसके लिए नर गिलहरी मादा गिलहरी की तलाश करता है और जैसे ही नर को मादा गिलहरी मिल जाती है उसके बाद वो उसे अपने कर्तव्यों से खुश करने की कोशिश करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मादा को खुश करने में लगा हुआ है। और जैसे ही मादा इसके कर्तव्यों से खुश हो जाती है उसके बाद वो भी उसे उछल उछल कर मिलन करने का इशारा देती है जिसके बाद नर गिलहरी मादा गिलहरी का पीछा करता है। और एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर इनके मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके मिलन की प्रक्रिया 20 से 25 मिनट की होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रक्रिया के बाद नर किसी और मादा के साथ मिलन की प्रक्रिया में भाग लेता है और ये ऐसा कई बार करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मिलन के मौसम के दौरान एक नर कई मादाओं के साथ मिलन करता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्भावस्था में आ जाती है और इस दौरान ये अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश करती है। और जैसे ही उसे कोई सुरक्षित स्थान मिल जाता है उसके बाद वो अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इनका ठिकाना पेड़ की खोखली जगह पर होता है जिस पर छेद बनाकर ये घोंसला बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपना घोंसला बना रहे हैं। तो जैसे ही 60 से 65 दिनों का समय हो जाता है यानी इनके गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है उसके बाद ये बच्चों को जन्म देना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चों को जन्म दे रही है। ये गिलहरी एक बार में 4 से 5 बच्चों को जन्म दे देती है जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। ये बच्चे बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं जिनका आकार 1 इंच के बराबर होता है। इसके साथ ही ये शुरुआती दौर पर अंधे और बाल रहित होते हैं और ये अपने जीवन का शुरुआती पहला महीना ज़्यादातर सोकर बिताते हैं और अपने भोजन के लिए पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। और अगर बात करें इनके भोजन की तो ये गिलहरी छोटे मोटे कीड़ों और फलों को खाकर
अपना गुजारा कर लेते हैं। ये गिलहरी अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए अपने घोंसले को बहुत से चीज़ों से भर देती है, जो इनके लिए एक कंबल की तरह काम करता है। तो जैसे ही ये बच्चे 20 दिनों के हो जाते हैं, उसके बाद इनके शरीर पर बाल उगने शुरू होते हैं और पूरा एक महीना बीत जाने के बाद इनकी आँखें भी खुल जाती है, जिसके बाद ये चलने फिरने के काबिल बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये लगभग 2 महीनों तक अपनी माँ के साथ अपने घोंसले पर ही रहते हैं और इस दौरान ये आसपास वाली जगह पर आज़ादी से घूमते रहते हैं, लेकिन अपने परिवार के पास ही रहते हैं। तो जैसे ही ये बच्चे 3 महीनों के हो जाते हैं, उसके बाद ये किशोरा अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इनके दांत और पूरे शरीर पर बाल आ जाते हैं, जिसके कारण ये वयस्क गिलहरी की तरह दिखाई देते हैं। तो जैसे ही ये किशोरा अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी के सफ़र पर अकेले निकल पड़ते हैं, जिसके बाद इनके ज़िंदगी की असली लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ये सीखते हैं कि किस तरह जंगल में रहना है, कैसे आज़ादी से घूमना है, कैसे अपना भोजन खोजना है और कैसे अपने शिकारियों से बचना है। और इस तरह ये बढ़ते समय के साथ अपने आने वाले जीवन के लिए तैयार होते चले जाते हैं। और जैसे ही 1 साल का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। तो जैसे ही ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद इनका आकार मुंह से लेकर पूंछ तक 2 फीट लंबा हो जाता है, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है, जिसके बाद ये मिलन के लिए अपने साथी की तलाश में निकल पड़ते हैं। और जैसे ही इन्हें अपना साथी मिल जाता है, उसके बाद ये मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गिलहरियों का प्रजनन काल विभिन्न प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कुछ गिलहरी की प्रजातियाँ होती है जो साल के शुरुआत में प्रजनन करती है, तो कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती है जो साल में सिर्फ 2 बार ही प्रजनन करती है, और कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो साल के अंत में प्रजनन करती है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि प्रत्येक प्रजातियां अलग अलग समय और अलग अलग मौसम के हिसाब से मिलन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इन गिलहरियों का जीवन काल 5 से 6 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनका जीवन काल प्रजातियों के आधार पर निर्भर करता है, और कई मौक़ों पर इनका जीवन काल इनकी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक गिलहरी सुरक्षित जंगल पर निवास करती है, तो बिना किसी परेशानी के उसका औसत जीवन काल 10 से 12 वर्षों का होता है। और अगर कोई गिलहरी किसी कैद में है, तो उसका औसत जीवन काल 20 वर्षों का होता है, जो सिर्फ कुछ प्रजातियों के लिए ही सही माना गया है। और अगर एक गिलहरी किसी शहर वाले इलाके में निवास करती है, तो उसका औसत जीवन काल सिर्फ 2 से 3 वर्षों का ही होता है, क्योंकि यहाँ ये बहुत सी बीमारियाँ, सड़क पार करते हुए हादसे का शिकार और दूसरे पशु पक्षियों द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं, जिसके कारण इनकी ज़िंदगी आधे से भी कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शहरों में पूरी तरह से असुरक्षित हैं। ये गिलहरी बहुत ही चालाक होते हैं और अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके ये कई मौक़ों पर इस तरह के खतरों से अपनी जान बचा लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।